अगर आप सोच रहे हैं कि फोटो स्टूडियो वाले एक ही क्लिक में पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना देते हैं, जी हाँ, वो एक्शन से बनाते हैं, जो कि एक्शन क्रिएट करना पड़ता है और उसको सेव भी करना पड़ता है, तभी एक ही क्लिक से वो पासपोर्ट साइज फोटो रेडी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे पासपोर्ट साइज फोटो एक ही क्लिक में अपने शीट में कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम एक्शन बनाने वाले हैं, जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेगा और आप आसानी से सीख सकते हैं एक्शन बनाने। तो आप कोई भी काम एक्शन के द्वारा करेंगे तो बहुत ही इजी होगा और फास्ट जो है हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने हमें अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये साथ में बनी बेल को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम 7.0 फोटोशॉप में हैं और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि 4x6 की है और इसका रेजोल्यूशन हम यहाँ पे 300 कर देते हैं और इसको कलर मोड RGB रख के बैकग्राउंड वाइट और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है हमको, डबल क्लिक करके एक इमेज इंसर्ट करना है यहाँ पे, और इस इमेज की हम जो है पासपोर्ट साइज फोटो बनाने वाले हैं, इसको भी हम भी कट कर देता हूँ। और सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रॉप टूल में जाना है और क्रॉप टूल में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो आपको ये प्रॉपर्टीज की खुल गई है, यहाँ पे आपको डालना है 3.5, इसकी जो विड्थ है 3.5 रहेगी और इसकी जो हाइट है वो 4.5। तो ये रेजोल्यूशन जो इसका है 120 रहेगा और ये जो है सेम रहेगा। उसके बाद में एंटर कर देना है ताकि ये सेव हो जाए। उसके बाद में देखिए, क्रॉप टूल से हमको इसका एक सिलेक्शन बना लेना है जितना हमको चाहिए, और इसको मूव करके आप इधर उधर सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर दें और के बाद मूव टूल पे जाएं और कंट्रोल यन से एक न्यू फाइल लें और यहाँ 4x6 की एक फाइल लेते हैं और इसको ओके कर देता हूँ। और आप क्या करना है आपको, सिंपल इस फोटो को हम यहाँ ड्रैग करके लेके आते हैं इस तरह से, और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। और उसके बाद में अब आपको एक्शन क्रिएट करना है, तो एक्शन के लिए आप विंडो में जाएंगे और अगर आपका एक्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो एक्शन पे यहाँ पे टिक कर देंगे तो एक्शन दिखाई देने लगेगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे चेक है तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सामने देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो जा रहा है, एरो पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे न्यू सेट का ऑप्शन है, न्यू सेट पे जाएंगे। यहाँ पे हम कुछ इसका नाम दे देते हैं, पासपोर्ट फोटो, ओके कर देता हूँ। और उसके बाद में न्यू एक्शन पे जाना है, न्यू एक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका भी कोई नाम दे देते हैं, ओके। और आपको यहाँ फंक्शन की जिस की को आप प्रेस करेंगे और एक ही बार में आपकी सारी फोटो तैयार हो जाएगी। आपको यहाँ फोटो बनाने के लिए की यहाँ से चूज करना पड़ेगा, आप फंक्शन की यहाँ पे ले सकते हैं या फिर आप इसके शिफ्ट और कंट्रोल के साथ भी यहाँ फंक्शन की यूज कर सकते हैं। चलिए मैं F4 यहाँ पे यूज करता हूँ और यहाँ पे एक्शन को रिकॉर्ड करता हूँ। चलिए रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं और अब हम इसमें जो हमको क्रियाकलाप करना है इसी पे करना है और वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा स्ट्रोक दे देता हूँ और यहाँ पे स्ट्रोक इसका हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और ओके कर देता हूँ। और फोटो को थोड़ा सा हम सेट कर देता हूँ इस तरह से, और जो सारा एक्शन है वो हम यहाँ बना लेते हैं।
आल के साथ हमको इसको प्रेस करना है और ये जो है आगे बढ़ता जाएगा इस तरह से। आपको आल के साथ करना है। अगर आपको परेशानी हो रही है, फोटो इधर उधर जा रहा है, तो आप कंट्रोल आर करें और यहाँ पे रूलर आ जाएगा। रूलर को आप यहाँ सिलेक्ट कर लें इस तरह से, और रूलर के बाहर फोटो नहीं जाएगी। आप चाहे वन क्लिक में करें या फिर डबल क्लिक में करें। तो चलिए आर के साथ इसको फिर से हम यहाँ पे सेट कर लेता हूँ इस तरह से। हमने सारी फोटोज यहाँ पे इस फाइल में सेट कर दिया है। और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड जो एक्शन हमारा रिकॉर्ड हो रहा था उसको हम यहाँ से स्टॉप कर देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक्शन हमारा जो है वो बंद हो चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, अब हम इस फाइल को हम क्लोज करते हैं यहीं पे। और ये हमारी जो पहले वाली फोटोज है इसके लिए हम कंट्रोल यन फाइल लेते हैं। अब देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे ओके करता हूँ और सिंपल इस फोटो को हम ड्रैग करके यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। और हमारी जो शॉर्टकट की थी वो हमारी F4 थी। मैं F4 को प्रेस करता हूँ। देखिए हमने कुछ नहीं किया, F4 को प्रेस करते ही हमारी जो सारी फोटोज थी वो एक ही क्लिक में यहाँ पे बन गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है अभी एक्शन क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब कोई सा भी अगर आपको फॉर्मेट आपने बनाया हुआ है एक्शन के अंदर, तो आप सिंपल उसको इजी तरीके से एक्शन के माध्यम से बना सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।